नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टू डू आइस में। हम देखेंगे हिस्ट्री में जो चल रहा था बौद्ध फिलोसफी धर्म, जैन फिलोसफी धर्म के बाद जो अब बारी है वह है ब्राह्मण धर्म। तो इसमें विभिन्न संप्रदाय को देखेंगे, इसके साथ साथ जो सनातन धर्म है और दर्शन, तो दर्शन का भी आपको अलग से पढ़ना होगा। फिलहाल हम धर्म देखते हैं, रिलीजन। जो सनातन धर्म है ब्राह्मण धर्म के नाम से जाना जाता है, इस ब्राह्मण धर्म में कितने सारे संप्रदाय हैं वो एक इसका खाका तैयार करना होगा आपको, क्योंकि बहुत ही डिटेल से विस्तार से। तो हमको इतना धार्मिक चीज़ों पे और आध्यात्मिक चीज़ों पे गहन अध्ययन नहीं करना, ओनली हिस्ट्री के परिप्रेक्ष्य से इसको देखना है। ब्राह्मण धर्म इसमें क्या क्या शामिल करेंगे आप? भागवत संप्रदाय, फिर वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय, शक्ति, और फिर इसमें शामिल कर लेंगे हम तंत्रवाद को भी। तंत्रवाद इसे पंचम वेद बोला जाता है। पंचम वेद जो पांचवा वेद माना गया है वह है तंत्रवाद। ये आपका टोटल एक ब्राह्मण धर्म है, अर्थात सनातन धर्म जिसको बोलते हैं। तो ब्रॉड कंसेप्ट है, जन्म कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, विस्तार कैसे हुआ किसी को भी नहीं पता। फिलहाल जो इतिहास के परिप्रेक्ष्य की दृष्टि से है उससे पढ़ना है। भागवत संप्रदाय, तो भागवत संप्रदाय के संस्थापक कौन है? सभी लोग जानते होंगे भगवद गीता को, तो कृष्ण है। वैष्णव संप्रदाय में किसकी पूजा होती है? तो बोलेंगे इसमें नारायण की पूजा होती है, तो विष्णु भगवान की पूजा होती है। शिव संप्रदाय में भगवान शिव, उनके जो भक्तगण हैं तो उसमें शिव संप्रदाय में शामिल होंगे। शाक्त में शक्ति, अर्थात जो स्त्री थी उनको एक देवी का अवतार मान के फिर पूजा पाठ प्रारंभ होगा। तो एक नया संप्रदाय शाक्त संप्रदाय। और तंत्रवाद जो तंत्र पर आधारित विभिन्न निषेध क्रियाकलापों से और जादुई शक्ति से जुड़ा हुआ है तंत्रवाद, तो पंचम वेद माना गया इसको। तो इसी को हमको थोड़ा सा देखना होगा। सबसे पहले देखिए भागवत संप्रदाय, जो भागवत संप्रदाय है देखना है। भागवत संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो आपको बोलना है वासुदेव कृष्ण है। वासुदेव कृष्ण पुनः पूछता है किस कुल के थे कृष्ण भगवान, किस कुल के थे? तो बताना है विष्णु कुल के थे। कुल में पिताजी का नाम पूछता है, तो इनका वासुदेव जो पहला नाम है एक्चुअली में इनके पिताजी का नाम है, तो वासुदेव अर्थात इनके पितृ हुए। पूरा माता का नाम तो देवकी। ये बेसिक कंसेप्ट है इतना। कभी कभी पूछ लेता है इनके गुरु का क्या नाम था, पीसीएस के एग्जाम में फैक्ट ज़्यादा पूछे जाते हैं, वन लाइनर पूछ लेता है। तो गुरु इनके थे बोलेंगे अंगिरस, अंगिरस के शिष्य थे ये कृष्ण भगवान, इनसे शिक्षा दीक्षा प्राप्त किए थे। ये बेसिक कंसेप्ट है। भागवत संप्रदाय में वासुदेव कृष्ण का उल्लेख काफ़ी सारा इतिहास में साक्ष्य के रूप में मिलता है। तो इसमें बोलेंगे छंदोग उपनिषद, उपनिषद आपको याद रखना है। छंदोग उपनिषद में सर्वप्रथम वासुदेव कृष्ण का उल्लेख है। इसके अलावा बौद्ध धर्म ग्रंथ है जातक। जातक क्या है? बौद्ध धर्म ग्रंथ है। पुनः जैन साहित्यों में उल्लेख है। फिर पतंजलि, पांडिकी, तो पतंजलि पांडिकी जैसे जो महान दिग्गज साहित्यकार हुए इनकी राइटों में मिलते। पतंजलि का महाभाष्य है, पांडिकी की अष्ट अध्यायी है। पहले से मैंने बता दिया कुछ किताबों का नाम, पहले वाली वीडियो का आप देखेंगे सारे किताब का नाम, उसके राइटर मिलेंगे। तो इन सब जगह उल्लेख है एक साहित्य के रूप में, साक्ष्य के रूप में वासुदेव कृष्ण का और भगवत संप्रदाय का उल्लेख है। पुनः आप देखेंगे वैष्णगर स्तंभ, तो उसमें भी उल्लेख है।
अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ सिद्धांत का, कि क्या सिद्धांत था। तो पंचवीर का सिद्धांत, और सेकंड नंबर पे क्या बोलेंगे कि व्यूवाद का सिद्धांत। ये दो सिद्धांत है। पंचवीर में पांच लोगों की बात की गई है, पांच लोग हैं, ये पांच लोग वासुदेव कृष्ण से संबंधित हैं। तो पंचवीर का सिद्धांत और व्यूवाद का सिद्धांत, ये दोनों भागवत संप्रदाय से जुड़ा हुआ सिद्धांत है। अगर पीटी में क्वेश्चन पूछता है पंचवीर क्या है, यह शब्द है प्राचीन काल में पंचवीर और व्यूवाद, तो ये दोनों शब्द किस लिए हैं, तो भागवत संप्रदाय से संबंधित सिद्धांत है, भगवान कृष्ण के सिद्धांत है। इसमें पांच पंचवीर में जो कृष्ण भगवान है, इनके पांच जो परिवार के सदस्य मेंबर उनका उल्लेख। तो ये हमारा पंचवीर में देखिए, जो पांच लोगों का एक समूह है जो वासुदेव कृष्ण से जुड़े हुए हैं सभी, इसमें स्वयं कृष्ण हो गए पंचवीर में बोलेंगे, और इसके बाद है बलदेव, इनके भाई हैं प्रदुमन, और पुनः साल अनिरुद्ध। तो कृष्ण है, बलदेव है, प्रदुमन है, पुत्र है उनका साप और अनिरुद्ध, ये पांचों वासुदेव कृष्ण के संबंधी हैं। अब बात करते हैं व्यूवाद क्या था, जो कृष्ण के सिद्धांत दिए हैं। व्यूवाद में जो उपदेश मिलता है कि ज्ञान प्राप्ति, ऐश्वर्य की प्राप्ति, शक्ति, बल की प्राप्ति, वीर और तेज, इनकी बात करते हैं कि इनके द्वारा मानव मुक्ति प्राप्त कर सकता है। वैसे भी पूरा का पूरा उपदेश भगवद गीता में कृष्ण भगवान के मिलते हैं। व्यूवाद में पांच सिद्धांतों के, सॉरी छह सिद्धांतों के बारे में बताते हैं, और भगवद गीता जो है वह ईश्वर को और मुक्ति प्राप्ति के लिए तीन मार्ग बताता है। तो तीन मार्ग ईश्वर प्राप्ति या मुक्ति प्राप्ति के लिए है। सबसे पहला क्या बोलेंगे, भक्ति मार्ग है, जिसमें कोई क्रम नहीं है, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग और क्रम मार्ग। तो एक संपूर्ण समर्पण और विश्वास ईश्वर के प्रति, कर्मों के प्रति आपको मुक्ति दिला सकता है, ऐसा भगवद गीता में कृष्ण बोल रहे हैं। और मानव जगत जो प्राप्त करना चाहता है वो ज्ञान, ईश्वर, शक्ति, बल, वीर और तेज प्राप्त करना चाहता है। तो एक संपूर्ण समर्पण भक्ति भाव से, ज्ञान प्राप्ति जब अज्ञानता मिट जाए तब चरम ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसके लिए बहुत सारा सिद्धांत देते हैं कि किस तरीके से मन से लेके इच्छाओं तक पे नियंत्रण होना चाहिए, भोग विलास, त्याग, तपस्या, सील, जप, यज्ञदान जैसे चीजों के बारे में फुल डिटेल से बताते हैं। ज्ञान और कर्म कि हमेशा कर्म करते रहना है। तो यही है आपका भागवत संप्रदाय, बस छोटा सा है, नहीं तो डिटेल में तो आज तक तो फिर भगवत गीता को ही अच्छे अच्छे लोग नहीं समझ पाए इनके दर्शन को। अब बात करेंगे हम वैष्णव संप्रदाय के बारे में। वैष्णव संप्रदाय अर्थात विष्णु, क्या बोलेंगे, विष्णु, तो स्वयं भगवान विष्णु इसके संस्थापक हैं, वैष्णव धर्म। बाद में जो है विष्णु और जो कृष्ण भगवान है वो एक हो गया, अर्थात भागवत संप्रदाय विष्णु संप्रदाय दोनों का एकीकरण हो गया। तो विष्णु के एक अवतार माने गए कृष्ण, मानव रूप में जन्म लिए। तो वैष्णव संप्रदाय भी हुआ, वैष्णव संप्रदाय में 12 अलवार हुए। अब एक शब्द आ रहा है अलवार, देखिए दो शब्द आएगा यहाँ पे, कभी भी एग्जाम में अलवार और नैनार आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 63 नैनार हैं, 63 नैनार और 12 अलवार, ये शब्द क्या है अलवार नैनार। तो जो विष्णु के उपासक हुए, संत हुए, उपासक या संत तो बोलेंगे वैष्णव संत। जो वैष्णव संत थे उन्हें अलवार बोलते थे, ऐसे 12 वैष्णव संत हुए। और नैनार में बोलेंगे जो सेव संत थे,
वो हुए 63। ये दोनों दक्षिण भारत में आज की डेट में तमिलनाडु में जन्म लिए। तो दक्षिण भारत से ही उत्तर भारत में अलवार नैनार संतों के द्वारा वैष्णव धर्म और शैव धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। तो दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर आया था। अर्थात भारत में जो वैष्णव धर्म था उसका जन्म तो हो चुका था, कई सारे राजा महाराजा, इसमें भी दो अलग अलग कैटेगरी थे कि वैष्णव धर्म को मानने वाले थे, शैव धर्म को मानने वाले थे, कुछ शासक थे दोनों को ही मानने वाले थे। धीरे धीरे कालक्रम के अनुसार 12 अलवार संत हुए, 63 नैनार संत हुए। एक टाइम पीरियड था कि मध्य भारत में, सॉरी तमिलनाडु में, दक्षिण भारत में ये संत हुए, इन्होंने उत्तर भारत में फिर प्रचार प्रसार किया वैष्णव संप्रदाय से संबंधित और शैव संप्रदाय से संबंधित। तो ये है वैष्णव धर्म। अब इसका कुछ पंथ है, इसके आगे कर लेंगे। वैष्णव धर्म के जो पंथ है इसको दो भागों में बांट दीजिएगा आप। एक भाग में आपको लिखना है पंचरात और दूसरे भागों में लिखना है वैक रेखानस। ये दो शब्द आ रहे हैं। देखिए पंचरात है, इसकी नींव डाली थी 100 करेक्ट 100 ईस्वी में सांडल के द्वारा। सांडल हैं बहुत बड़े ऋषि हुए, विद्वान हुए, भगवान जो विष्णु है उनको केंद्र में रखकर इन्होंने पूजा आराधना की और एक नया जो है पंचरात नामक पंथ स्थापित किया था। इनके फॉलोवर हुए पुनः वैकनाश, इसकी जो नींव है प्राचीन काल से ही था। तो इसमें कई सारे विद्वान आते हैं, ऋषि मुनि, अत्रि, कश्यप और भृगु। तो इन ऋषियों ने वैकनाश की स्थापना कर दी थी, भगवान विष्णु को समर्पित थे। तो इस तरीके से दो पंथ हो गए वैष्णव धर्म में। अब बात कर लेंगे हम लोग थोड़ा वैष्णव धर्म के बाद जो शैव धर्म है। शैव धर्म में भगवान शिव को सेंटर में रख के पूजा पाठ किया जाता है, आराधना किया जाता है। तो उपासना का जो केंद्र है वो कोई नहीं, आदि देव महादेव है, शैव धर्म। तो इसमें सेंटर में रखा जा रहा है भगवान शिव को। अब शिव के दो रूपों में इनकी प्रस्तुति स्तुति होती है। कैसे संस्तुति होगी? एक है इनका रुद्र रूप, दूसरा है सोम रूप। तो बोला जाता है चार इनके सोम रूप, अर्थात कि सुंदर हैं, सच हैं और अनंत हैं ये। तो सोम रूप में प्रसन्न जब रहते हैं ये, तो पृथ्वी का संचालन सभी क्रियाकलाप अच्छे से होता है। जब रुद्र रूप धारण करते हैं तो फिर विनाश होता है। तो जन्म भी इन्हीं से है और मृत्यु भी इन्हीं की देन है। तो शिव के दो रूप हैं, शिव का मतलब होता है सुंदर, तो रुद्र रूप में, सोम रूप में। अब इनके कई सारे जो रूप हैं, जैसे पशुपति, पशुओं के देवता के रूप में, गिरीश पर्वतों के देवता हैं, कैलाश पति कि कैलाश में विराजमान होते हैं ये। तो ऐसे करके इनके नाम अलग अलग हैं। तो इनके जो अनुयायी हुए वो शैव धर्म से संबंधित हुए। अब आगे बहुत सारा पंथ इनसे निकला। पंथ में क्या बोलेंगे आप? कपालिक, फिर कालमुख, लिंगायत। क्या बोलना है? कपालिक है, कालमुख है, लिंगायत है और इसके साथ में आपको बोलना है तो क्या बोलना है इसमें? लिंगायत के बाद पाशुपात, पाशुपत और कनफट, योगी, गोरखनाथी। ये कुछ पंथ हैं जो शैव धर्म के हैं। जैसे कपालिक, कालमुख, ये दोनों कर्नाटक में जन्म लिए हैं, दोनों ही कर्नाटक में चलते थे। 10वीं शताब्दी में प्रारंभ हुए थे, भगवान शंकर को सेंटर में रख के आराधना पूजा पाठ कर्नाटक में प्रारंभ हुआ और कपालिक कालमुख नामक दो शाखाओं का जन्म हुआ शैव धर्म से संबंधित। पुनः लिंगायत,
इसका भी जन्म कर्नाटक में हुआ है। लिंगायत को वीर शैव के नाम से भी जाना जाता है, क्या बोलेंगे, वीर शैव। और संस्थापक कौन है, तो बोलना है वासव संस्थापक थे, वासव जन। और ये भी 12वीं शताब्दी की बात है। तो लिंगायत, लिंग की पूजा करने वाले लोग, ये वीर शैव भी कहलाते हैं। संस्थापक हैं वासव, कालक्रम है 12वीं शताब्दी में। तो कर्नाटक में आप देख रहे हैं कपाली, कालमुख और लिंगायत, ये सभी का जन्म हो रहा है। तो शैव संप्रदाय का एक पंथ अलग से बटा हुआ है। पाशुपात, ये पाशुपात के संस्थापक कौन है, पाशुपात ये हैं, तो बोलेंगे लवकुलिश, लवकुलिश, ये भगवान शिव के रूप में पूजा जाते हैं। तो इनको शिव का अवतार बोला जाता है, लकुलिश, लकुलिश। तो पाशुपात के संस्थापक हैं। और इसके बाद है कनफट योगी गोरखनाथी, जो आज भी गोरखपुर इलाके में इनका विशेष आराधना होता है, भगवान शिव के रूप में माने जाते हैं ये। और इसमें ये जानना है कि थे कहाँ, तो पूरी बंगाल के थे। जो गोरखनाथ थे वो पूर्वी बंगाल के थे, और वेशभूषा जो धारण करते थे, तो इन्हीं के नाम से एक अलग से बना गोरखनाथी संप्रदाय। कान में कुंडल पहनते थे और वस्त्र धारण करते थे भगवान शंकर जैसे, ठीक है। तो आपको बोला है कनफट योगी, इसके संस्थापक है गोरखनाथी, पूर्वी बंगाल में इनका जन्म हुआ था। बाद में ये उत्तर प्रदेश का गोरखनाथ इलाका, जो जिला भी है इन्हीं के नाम से है, और इनकी मंदिर भी है, भगवान शिव के रूप में पूजे जाते हैं। बस थोड़ा सा फैक्ट समझना है, इसी में कभी ये पूछ लेता है, जैसे लिंगायत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, लिंगायत क्या है, तो एटलीस्ट आपको नाम याद होना चाहिए। लिंगायत जिसमें लिंग की पूजा की जाती है, दक्षिण भारत में कर्नाटक राज्य में जन्म हुआ है 12वीं शताब्दी में, और संस्थापक है वासव, इन्हें वीर शैव के नाम से भी जाना जाता है लिंगायत को। तो शैव धर्म हो गया। अब बात कर लेंगे हम लोग शाक्त का, शक्ति संप्रदाय। अर्थात जब स्त्री को भगवान के रूप में पूजा जाने लगा, एक अर्धांगिनी के रूप में भगवान शंकर की बनी, तो अर्धांगिनी के रूप में भी पूजा जाने लगा। देखिए शक्ति की पूजा अभी से नहीं हो रही है, अगर आप पढ़ेंगे सिंधु काल में मातृ देवी की पूजा होती थी, पुनः वैदिक काल में पढ़ेंगे तो वाक देवी थी, और कई सारे देवी वैदिक काल में मिलते हैं। तो वाक देवी है, यश नाग नागिनों की पहले प्राचीन काल से ही पूजा होती थी। तो धीरे धीरे जो स्त्रियां थीं उनका भी देवी अतिक्रमण हुआ, देवीकरण बोलेंगे, और बाद में ये अर्धांगिनी के रूप में पूजा की जाने लगी। और सारे शक्ति का स्रोत इन्हें माना गया, जो मेन शक्ति का स्रोत है ब्रह्मांड में, जो भी शक्ति है ये स्वयं है। फिर ऐसा ही बोला गया कि ब्रह्मांड का अंतिम सच्चाई, जो ब्रह्मांड है इसका अंतिम सच क्या बोलेंगे, स्त्री है। तो प्राचीन काल से जो देवी के रूप में पूजे जा रहे हैं, कभी उपजाऊ के रूप में, कभी पृथ्वी के रूप में, कभी वृक्ष वनस्पतियों के रूप में, और फिर क्या है कि शक्ति का स्रोत, कि जहां से भी शक्ति जन्म ले रहे हैं इनकी जन्मदाता यही है। फिर बाद में जो अलग अलग हुए देवी, उनको पुरुष देव के साथ समर्पित किया गया और अंधारणी के रूप में पूजा प्रारंभ हुई। तो ये इसके भी दो रूप थे शक्ति के, एक सोम रूप और दूसरा रुद्र रूप। तो सोम रूप में इनके नाम आते हैं जैसे पार्वती, फिर बोलेंगे हेमावती, उमा, भवानी। रुद्र रूप में काली, दुर्गा, भैरवी, ऐसे काफी सारे रुद्र रूप में दिखाई देते हैं। जो प्रसन्न रहे तो विष का संचलन,
सुकुशलता पूर्वक चलते रहता है, सब लोग अच्छे रहते हैं, निरोग रहते हैं, तो ब्रह्मांड एक नियम से चलता है। लेकिन रुद्र रूप में सब चीज विलोम होता है, काल आते हैं, प्रकोप आते हैं, लोग मारे जाते हैं, विध्वंस होता है, ब्रह्मांड समाप्त होते हैं। तो काली दुर्गा भैरवी जैसे रूप है इनके, बस ये सा शक्ति। अब है तंत्रवाद भी थोड़ा सा इसी में देख लीजिए। तंत्रवाद कि शक्ति प्राप्त करने के लिए जब तंत्रों का उच्चारण किया जाए, शक्ति प्राप्त करना हो, मोक्ष की प्राप्ति करना हो, कैसे प्राप्त होगा, तो तंत्र के द्वारा होगा। तंत्र क्या है? मंत्र है, इसमें थोड़ा सा जादुई शक्ति की बात की जा रही है कि इसके द्वारा शक्ति प्राप्त होगी। कुछ निषेध क्रियाकलाप जो मनाही है, तो वो निषेध क्रियाकलाप के प्रैक्टिस के द्वारा शक्ति प्राप्त की जाएगी और मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो तंत्र मंत्र को एक जन्म के रूप में माना जाता है और इसके बाद पंचम वेद का जन्म हुआ, इसी से पंचम वेद बोला गया। तो बहुत सारे हैं, आज भी तंत्रवाद तांत्रिक आपको मिलेंगे जगह जगह जो तांत्रिक हैं। तंत्रवाद एक जादुई शक्ति के रूप में, अगर पॉजिटिव शक्ति है ब्रह्मांड में तो एक निगेटिव शक्ति भी है, तो पॉजिटिव निगेटिव का एक बैलेंस चलते रहता है। तो यही है तंत्रवाद, तो बौद्ध धर्म में भी था, बर्जियान तंत्रवाद का ही रूप है। तो ये है आपका तंत्रवाद, बस आपको याद रखना है कि पंचम वेद इसे बोला जाता है, इसे तंत्र को। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा साहित्य के बारे में। कौन कौन से साहित्य हुए हैं सनातन धर्म में या ब्राह्मण धर्म में? तो देखिए यहाँ पे है रामायण, फिर महाभारत, रामायण महाभारत के बाद है पुराण और स्मृति। महाभारत का ही एक शाखा है भगवद गीता। देखिए रामायण क्या है, तो रामायण की रचना 500 BC पहले हुई थी, रामायण की रचना हो गई थी। तो रामायण में भगवान राम को विष्णु का अवतार के रूप में पूजा प्रारंभ किया गया। और पता होगा कि आपको रामायण के राइटर कौन है, रचनाकार कौन है, तो महर्षि वाल्मीकि है, वाल्मीकि। पुनः महाभारत को जय संहिता के नाम से जाना जाता है, जय संहिता। महाभारत का दूसरा नाम बहुत कम लोग को पता है, इसे जय संहिता के नाम से जाना जाता है। महाभारत से निकला हुआ है भगवद गीता, जो भगवान कृष्ण के द्वारा दिया जा रहा है महाभारत के कुरुक्षेत्र के मैदान में, जय संहिता है। अब इसके राइटर कौन है महाभारत के, बोलेंगे महर्षि वेद व्यास। तो महर्षि वेद व्यास इसके राइटर हैं। पुराण, अब बारी आती है कि पुराण क्या है। तो पुराण में ब्रह्मांड का जन्म, बहुत सारे राजाओं की वंशावली भी मिलती है और जीवन का लक्ष्य क्या है, तो ये सब पुराणों में उल्लेख है। कई सारी देवी देवताओं के वंश प्रणाली भी पुराणों में पता चलती है, अर्थात विश्व का निर्माण कैसे हुआ, राजाओं की वंशावली, देवताओं की वंशावली, ब्रह्मांड कैसे चलते हैं, क्या नियम है, ये सब क्या है पुराणों में उल्लेख है। कुल मिला के 18 पुराण हुए हैं। कुछ पुराणों के नाम आप लोग कम से कम थोड़ा देख लेंगे, बृहस्पति पुराण, शिव पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण। फिर इसके बाद क्या बोलना है, मार्तंडेय पुराण, मार्तंडेय पुराण, गरुड़ पुराण, गरुड़, वायु पुराण, अन्य मत्स्य पुराण, ऐसे करके टोटल 18 पुराण है। एटलीस्ट 3-4 पुराणों का नाम आपको याद रहे। देखिए शिव विष्णु और ब्रह्म, ब्रह्मा विष्णु महेश, इन्हीं से 3 जो भगवान है, ब्रह्मा विष्णु और महेश, अगर ये 3 नाम आपको याद है, इन तीनों को त्रिमूर्ति बोला जाता है, त्रिमूर्ति।
त्रिमूर्ति एक शब्द है, त्रिमूर्ति क्या है, तीन देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, तो इन्हीं में तीन पुराण तो आप ऐसे जोड़ देंगे, ब्रह्मा शिव पुराण है, ब्रह्म पुराण विष्णु पुराण, तीन पुराण तो इन्हीं के नाम से हो गया, मार्कंडेय पुराण, गरुड़ पुराण, वायु पुराण, बृहस्पति पुराण है और ब्रह्मांड पुराण, ऐसे करके टोटल 18 पुराण है। स्मृति देख लीजिए, स्मृति एक साहित्य का किताब था, इतिहास की बहुत सारे विषय वस्तु मिलते हैं इसमें, राजा का काम, राजा का क्या कर्तव्य है, प्रजा का क्या कर्तव्य है, जन्म कैसे होता है, मृत्यु कैसे होती है, अकाल कैसे पड़ते हैं, तो सारा उल्लेख है, राजा को कितना टैक्स लेना चाहिए, प्रजा कितना टैक्स दे, तो ओवरऑल एक तरीके का साहित्यिक किताब है और इतिहास का बहुत सारे विषय वस्तु का वर्णन भी कर देता है ये। तो स्मृति में याज्ञवल्क्य स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, फिर बोलेंगे प्राशर स्मृति, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, प्राशर स्मृति, मनुस्मृति, क्या बोलेंगे, मनुस्मृति, बृहस्पति स्मृति, सॉरी यहाँ पे बृहस्पति नहीं होगा, ये काट लीजिएगा, एक्चुअली में बृहस्पति यहाँ पे होंगे, बृहस्पति स्मृति है, फिर क्या होगा, मनुस्मृति, बृहस्पति स्मृति है, फिर कात्यायन, कात्यायन स्मृति और नारद स्मृति, पुराण में इसकी जगह 12 पुराण कर लीजिएगा, 12 पुराण, और भी पुराण है, कुछ पुराणों का अगर नाम और याद करना है तो लिंग पुराण भी है, लिंग पुराण, मत्स्य पुराण देख लीजिए, इसमें मत्स्य पुराण, तो ऐसे करके अग्नि पुराण भी है, सारा याद नहीं करना है, बस ये आप याद रखना है, 18 पुराण है, स्मृति में सबसे इंपॉर्टेंट है मनुस्मृति, तो एक तरीके का स्मृति संविधान भी था प्राचीन काल में, नियम कानून थे कि राजा को क्या करना है, प्रजा को क्या करना है, टैक्स सिस्टम कैसी है, इकोनॉमिक्स कैसे हो, रोजगार धंधे व्यापार व्यवसाय सभी का उल्लेख करता था, तो मनुस्मृति प्राचीन काल का संविधान माना गया था, राजकीय नियम चलते थे मनुस्मृति पे आधारित, बस यही है आपका ओवरऑल। और इसके बाद जो है देख लेते हैं दर्शन, कुल मिला के जो भारतीय दर्शन है, भारतीय दर्शन धर्म पे आधारित दर्शन है, जो आध्यात्मिक बातें हैं ना कि सांसारिक बातें, इस पे आधारित दर्शन है, वेस्टर्न दर्शन से भारतीय दर्शन बिल्कुल अलग है, वेस्टर्न दर्शन भौतिक चीज़ों पे विशेष ध्यान देता है, लेकिन भारतीय दर्शन आध्यात्मिक धर्म पे आधारित जो है कंसेप्ट के द्वारा मुक्ति मार्ग का रास्ता बताता है, दर्शन का सीधा सा मतलब होता है देखना, जो वस्तु आपको दिखाई दे रही है उसके गुण धर्म का तुलनात्मक अध्ययन करना, किसी भी सब्जेक्ट का जन्म ही फिलॉसफी से होता है, अगर आपको मैथ समझना होगा तो मैथ से पहले कंसेप्ट समझना होगा, जो विचार है यही विचार कहाँ से आए, ये विचार जो है किसी चीज़ को देखने से अनुभव करने से आए, या ज्ञान प्राप्ति अलग अलग तरीके से हुए, तो कुल मिला के फिलॉसफी से ही मैथ का जन्म होता है, साइंस का जन्म होता है, अन अदर सब्जेक्टों का जन्म होता है, तो सीधा सा बोलना है दर्शन का अर्थ है कि देखना या सुनना, जो आप देखते हैं सुनते हैं उसको आपको विस्तार पूर्वक डिटेल से वर्णन करना दर्शन कहलाता है। भारतीय दर्शन अध्यात्म आधारित है, तो यहाँ पे 6 दर्शनों की बात होती है जिन्हें षष्ठ दर्शन कहा जाता है, और भारतीय दर्शन की बात करूँ तो बहुत डिटेल हो जाता है, इसमें दोनों वर्ग के लोग आते हैं, जिनका वेदों पे भी आस्था है, जिनका वेदों पे आस्था नहीं है, जिनका ईश्वर पे आस्था है और जिनका ईश्वर पे आस्था नहीं है, अर्थात आस्तिक नास्तिक दोनों हैं, वेदों में विश्वास वो भी हैं, जो वेदों विश्वास ना हो वो भी लोग शामिल है, तो भारतीय दर्शन बहुत ही विस्तार है, ईश्वर की जो आराधना पूजा पाठ का तरीका रीति रिवाज इन सब का एक कंसिटेडेड फॉर्म जो है, कंसोलिडेट फॉर्म संगठित रूप में जो उभरा है वही दर्शन है, लेकिन हमको एग्जाम की दृष्टि से सिर्फ षष्ठ दर्शन पढ़ना है, पहले से जो बौद्ध और जैन दर्शन पढ़ते आ रहे हैं उनको आप अलग से कर लेंगे, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हिंदू दर्शन की, तो षष्ठ दर्शन में
सांख्य दर्शन, फिर क्या बोलना है आपको, योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, वेदांत और मीमांसा। तो सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, वेदांत दर्शन और मीमांसा दर्शन, टोटल षष्ठ दर्शन, छह दर्शन है। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा माना जाता है? वेदांत दर्शन। सबसे प्रमुख कौन सा है? वेदांत दर्शन। सबसे प्राचीन बोलेंगे सांख्य दर्शन है। अगर सबसे प्राचीन पूछा जाए कौन सा दर्शन है, तो आपको बोलना है सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन दर्शन है। एक साइड संस्थापक देख लेंगे इसके, कौन कौन संस्थापक है। तो सांख्य दर्शन के संस्थापक है कपिल मुनि। तो सांख्य दर्शन के संस्थापक है कपिल मुनि, मुनि सबसे प्राचीन दर्शन है। योग दर्शन, जिसमें योग की बात की जा रही है, इसके कौन से हैं? तो पतंजलि। आज पूरा वर्ल्ड में योग चल रहा है, इसके जनक ही हैं पतंजलि। वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक दर्शन के संस्थापक है महर्षि कर्णाद। ये सारे महर्षि हुए हैं आज के जमाने में, समझ लीजिए महान वैज्ञानिक, उस समय के महान वैज्ञानिक चिंतक थे। तो वैशेषिक दर्शन महर्षि कर्णाद, न्याय दर्शन में गौतम अच्छपाद, सिर्फ कभी कभी नाम आता है गौतम। वेदांत और मीमांसा, तो वेदांत में क्या बोलेंगे, बद्रायण। मीमांसा को जैमिनी। तो एक साइड संस्थापक है, एक साइड आपके दर्शन है। वेदांत दर्शन सबसे मुख्य है। जितने भी महान आचार्य हुए हैं, जैसे इससे पहले जो मैं दिखा था, रामानुजन, निम्बार्काचार्य, बल्लवाचार्य और शंकराचार्य जैसे जितने भी विद्वान हुए, आचार्य हुए, उन सब ने वेदांतों पर ही आधारित टीका टिप्पणी की है। वेदांत अर्थात वेदों का अंत, उपनिषेद। तो सारा कंसेप्ट है, बद्रायण इसके माने जाते हैं संस्थापक। अब यहाँ थोड़ा सा देखना है आपको, देखिए सांख्य दर्शन जिसके संस्थापक कपिल मुनि माने जाते हैं, ये दो चीज की बात करता है, पुरुष और प्रकृति की। तो पुरुष और प्रकृति से ही सारी चीजें बनी हुई है। पुरुष प्रकृति का ही कॉम्बिनेशन है, जो आपको वस्तु दिखाई दे रही है या बनी है वो है। अब प्रकृति के अलग अलग गुण होते हैं, तो तमस गुण, रजस गुण और तमस। गुण, रजस गुण और सत्गुण, तीन गुण की बात करता है प्रकृति में। अभी बात कर रहे हैं हम लोग सांख्य दर्शन, जो सबसे मुख्य दर्शन है, और भगवान कृष्ण के उपदेश में सांख्य दर्शन दिखाई भी देते हैं। तो कपिल मुनि इसके संस्थापक है, सबसे प्राचीन है। पुरुष और प्रकृति के कॉम्बिनेशन से पूरा विश्व का जन्म होता है, ब्रह्मांड की हर चीजें बनती है। प्रकृति के भी तीन गुण है, तमस गुण, रजस गुण और सत्गुण। अच्छाई है तो बुराई भी है, इन दोनों के बीच का कॉम्बिनेशन है। अब देखिए यहाँ पे है योग दर्शन। तो योग दर्शन इसके संस्थापक पतंजलि माने जाते हैं। योग के माध्यम से अपने शरीर पे, अपने मन पे नियंत्रण, मुक्ति प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति, अर्थात हर कुछ प्राप्त किया जा सकता है योग के माध्यम से। योग करने के टोटल 8 इन्होंने नियम बताए हैं। तो इसमें नाम आता है कभी कभी योग के 8 नियम, संयम, फिर बोलना है आपको नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, इसके बाद ध्यान, प्रत्याहार, ध्यान और समाधि है, धारण, एक शब्द भी आ रहा है धारण।
तो टोटल मिला के योग के 8 नियम है। कभी कभी इसमें से नियम पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा योग के नियम में शामिल नहीं है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। तो इसमें आपको बोलना है संयम, एक नियम से चलना, आसन बैठने का तरीका, प्राणायाम, सांसों पे कंट्रोल, आसन कैसे आसन ग्रहण करेंगे, बैठने का तरीका, प्राणायाम, सांसों पे नियंत्रण, प्रत्याहार अर्थात कम से कम भोजन का प्रयोग, ऐसा कोई भोजन जो खराब हो बचना, तो प्रत्याहार मतलब कम खाना, ध्यान धारण, ध्यान का विकसित रूप धारण, और इसका ये विकसित रूप है समाधि, तो अंत में समाधि ले लेना, चेतना शून्य हो जाती है। तो टोटल योग के 8 नियम हैं। अब तीसरा विशेषिक दर्शन है। देखिए विशेषिक दर्शन, इसके जनक माने जाते हैं महर्षि कर्णाद, महर्षि कर्णाद परमाणुवाद भी बोला जाता है इसे विशेषिक दर्शन को। जो विशेषिक दर्शन है इसमें परमाणु अणु शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, पूरा विश्व जो है परमाणुओं से बना हुआ है। तो जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है पश्चिम देश में, जो परमाणु परमाणु एटम आप सुनते होंगे कि बहुत सारे साइंटिस्ट हुए, तो डाल्टन है, रदरफोर्ड, एक्चुअली परमाणुवाद का जन्म भारत की फिलॉसफी में हो चुका था, महर्षि कर्णाद ने दिया था, परमाणुवाद के जनक के रूप में जाने जाते थे। तो हमारा तो पहले ही से कंसेप्ट चल रहा था, तो इसको क्या बोलेंगे विशेषिक दर्शन को, परमाणुवाद के नाम से भी जाना जाता है। न्याय दर्शन गौतम अजपाद है कि किसी वस्तु को हाउ, इनका छोटा सा फिलॉसफी सारांश निकलता है कि कोई वस्तु है चाहे ना, लेकिन उस वस्तु का अस्तित्व रहता है। अगर आपको पर्वत पठार नदी नहीं दिख रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो नहीं है, वो भी है। तो हर चीज मस्तिष्क पे डिपेंड करता है। गौतम अजपाद और बद्रायण वेदांत ब्रह्म सूत्र के नाम से भी जाना जाता है, ब्रह्म सूत्र, ब्रह्म सूत्र। देखिए ऐसा लिखेगा बद्रायण, दो जगह आपको ऐसे मिलेंगे, एक बद्रायण बद्रायण, बस आपको याद रखना है वेदांत को ब्रह्म सूत्र के नाम से जाना जाता है। सबसे मुख्य फिलॉसफी है भारतीय फिलॉसफी में, षष्ठ दर्शन में सबसे मुख्य माना जाता है। जितने भी महान आचार्य हुए हैं इन्होंने टीका टिप्पणी जो किए हुए हैं इसी वेदांत पे किए हैं। वेदांत को ब्रह्म सूत्र के नाम से जाना जाता है, ब्रह्म सूत्र ब्रह्मा के द्वारा रचित, और अंत में मीमांसा महर्षि जैमिनी के द्वारा प्रतिपादित है। तो यह है षष्ठ दर्शन। थोड़ा सा पॉज करके वीडियो देखिएगा और इसका नोट्स तैयार कर लीजिएगा। ओनली फैक्ट पूछता है, जैसे फैक्ट में आपसे पूछेगा परमाणुवाद का सिद्धांत किसने दिया था, आपको लिखना है महर्षि कर्णाद, यहाँ विशेषिक दर्शन गायब करके परमाणुवाद दे देगा। या पूछेगा सबसे पहले अणु का सिद्धांत कंसेप्ट किसने दिया, फिर भी कर्णाद ने दिया था। फिर पतंजलि का योग नियम पूछ सकता है, कपिल मुनि का पुरुष प्रकृति के बारे में पूछ सकता है, या कृष्ण के उपदेश किसमें मिलते हैं, तो आपको बोलना है कपिल मुनि का सांग दर्शन का उल्लेख बार बार कृष्ण भगवान ने भी किया, तो भगवत गीता में भी उल्लेख है, तो भगवत गीता से भी पुराना सांग दर्शन माना जाता है। बस आज के लिए इतना ही, बने रहिए टू डू एस, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।